28 मई को ट्रक की ठोकर से क्षतिग्रस्त हुई फिराक गोरखपुरी की प्रतिमा पुनर्निर्माण की मांग को लेकर बाबू विंध्यवासिनी प्रसाद वर्मा पार्क बचाओ संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं ने नगर आयुक्त को ज्ञापन प्रेषित किया, जिसके संबंध में बाबू विंध्यवासिनी प्रसाद वर्मा पार्क बचाओ संघर्ष समिति के कार्यकर्ता एडवोकेट अनुज अस्थाना ने बताया कि महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शायर रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी की प्रतिमा को ट्रक की ठोकर से क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसकी अभी तक मरम्मत नहीं हुई और बाबू विंध्यवासिनी प्रसाद पार्क मोहद्दीपुर में उनके नाम से लगा बोर्ड आंधी तूफान में टूटकर क्षतिग्रस्त हो गया, जिसकी भी अभी तक मरम्मत न होने के कारण देश के साहित्यकारों में और जनता के मन में काफी आक्रोश है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए संघर्ष समिति के कार्यकर्ता एडवोकेट अनुज अस्थाना ने कहा, अनुज अस्थाना एडवोकेट बाबू विंध्यवासिनी प्रसाद वर्मा पार्क बचाओ संघर्ष समिति के सदस्य की हैसियत से आज हम लोग नगर आयुक्त महोदय को अंतर्राष्ट्रीय साहित्यकार महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिनकी मूर्ति बितिहाता चौराहे पर लगी हुई है फिराक साहब की, उनकी मूर्ति करीब 10 दिन पहले एक ट्रक चालक की लापरवाही से उनका पूरा पेडस्टल क्षतिग्रस्त हो गया है और कई बार प्रशासन के संज्ञान में लाने के बावजूद ऐसे महान विभूति के प्रतिमा का अनादर किया जा रहा है। अभी तक मरम्मत का कार्य नहीं शुरू किया गया, उसी क्रम में आज हम लोग पुनः नगर आयुक्त महोदय को ज्ञापन देने आए हैं कि उनकी मूर्ति स्थल को शीघ्र से शीघ्र मरम्मत कराई जाए, सुंदरीकरण किया जाए तथा बाबू विंध्यवासिनी प्रसाद वर्मा जो कि महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और नगर पालिका के चेयरमैन रह चुके हैं, पूर्व विधायक रह चुके हैं और इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन का गोरखपुर में अलग जगाया, ऐसे महान विभूति के नाम से मोहद्दीपुर में विंध्यवासिनी पार्क था और वो पार्क का बोर्ड भी क्षतिग्रस्त हो गया है, प्रशासन उसको संज्ञान नहीं ले रहा है, तो आज हम इस संदर्भ में ज्ञापन नगर आयुक्त महोदय देने आए हैं कि बाबू विंध्यवासिनी प्रसाद वर्मा के जो स्मृति में जो वहां पर बोर्ड लगा था उसको सही करावें और उनकी एक मूर्ति आदमकद मूर्ति पार्क में स्थापित करें और उनकी जो जीवन वृत्ति है वो वहाँ पर शिलालपट्ट पर लगावें कि गोरखपुर की जनता उनके महान कृतियों को पढ़ करके उनके आदर्शों पर चलने का कृत करे, काम करे। धन्यवाद।